सीधे मैं आशुतोष के पास चलता हूँ। मेरे प्रिय मित्र आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, कितना आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी सोचती है। देखिए, एक पोलिंग के वक्त वो केदारनाथ मंदिर के अंदर से ध्यान लगाए हुए, एक पोलिंग के वक्त वो अपनी माँ से मिलने गए, उसी दिन पोलिंग चल रही थी, ये संयोग ही है। एक पोलिंग के वक्त वो पशुपतिनाथ मंदिर में थे, कल वो मथुरा के मंदिर में रहेंगे। अब ऐसी चीजों पर तो आप चुनाव आयोग से शिकायत भी नहीं कर सकते। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो कोई सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, अगर अगर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं ना, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचते इस बारे में। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी अगर बांग्लादेश गए हैं और बांग्लादेश की यात्रा में हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत ज्यादा उस मीन में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश के अंदर हर तीसरे महीने चुनाव होते हैं और हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ विदेश नीति के मसले होंगे, आर्थिक नीति के मसले होंगे, कुछ दूसरे मसले होंगे, उन पर भी काम करना होता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि तीन महीने अगर डेढ़ दो महीने तक लगातार चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो बांग्लादेश नहीं जाए? क्योंकि लोग ये कहेंगे अगर बांग्लादेश जाएंगे तो उसका असर जो है वो बंगाल के चुनाव में पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है मामले का इतना ज्यादा सरलीकरण करने की कोई जरूरत है। और मुझे इस पर भी पूरी तरीके से यकीन है कि बांग्लादेश जाने मात्र भर से या वहां कुछ कह देने से या किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से बंगाल के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला या असम के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला, मेरा इस थ्योरी में किसी तरीके का कोई यकीन नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को बंगाल चुनाव से या असम के चुनाव से मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इसके मुतालिक प्लानिंग की हो सकता है उनको ऐसा लगा हो, लेकिन क्या राजनीति इतनी आसान सी चीज है क्या? मैं ये नहीं मानता हूं। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि बांग्लादेश की यात्रा पर अगर वो गए हैं तो हो सकता है भारत की विदेश नीति के लिए जरूरी हो। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते पिछले दिनों जो सीए चल रहा था या एनआरसी की बात हो रही थी उस दौरान हमारे रिश्ते खराब हुए थे और उनकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर असर पड़ा था, उनके दूसरे मंत्रियों का ना तो उस पर भी असर पड़ा था, तलखी आई थी। और अगर इस यात्रा के दौरान अगर वो तलखी कम होती है क्योंकि चीन लगातार हमारे चारों तरफ जो है वो एक तरीके से भारत विरोधी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, अगर जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि इसको बंगाल के चुनाव से देखने की कोशिश करनी चाहिए।